ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं आज की कवर स्टोरी पर। 17 घंटे में पुलिस ने खोज निकाला गोंडे से किडनैप बच्चा, 4 करोड़ की मांगी थी फिरौती, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। यूपी के गोंडा जिले से शुक्रवार को करनैलगंज कस्बे से किडनैप किए गए व्यवसायी के पोते को शनिवार सुबह मुठभेड़ के बाद सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपहरणकर्ता घायल हुए हैं। एसटीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान में 7:15 बजे सफलता मिली। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ के एसपी मुठभेड़ स्थल पर मौजूद रहे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस और एसटीएफ रात से ही बच्चे की सकुशल बरामदी के लिए लगी थी। सीओ के मुताबिक शनिवार सुबह भौरीगंज रोड पर अपहरणकर्ताओं की लोकेशन सर्विलांस में मिली। एसटीएफ और पुलिस टीम ने पीछा किया तो कार एक खंभे से टकरा गई। 2 अपहरणकर्ता गाड़ी से भागने लगे। दोनों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने 2 बदमाशों को जवाबी फायरिंग में दबोच लिया। पुलिस के अनुसार गाड़ी से अपहृत बच्चे के साथ एक महिला और पुलिस को हिरासत में ले लिया गया। दोनों घायल अपहरणकर्ताओं को जिला अस्पताल में भेजा गया। बच्चे को अभी पुलिस ने अपनी सुरक्षा में रखा है।